नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में पहले भी कई बार निरीक्षण हो चुका है और उसी के क्रम में अब एक नया आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। 30 जून 2023 को समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए, जिसका विषय है विद्यालयों के निरीक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण किए जाने के संबंध में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी ग्रीष्मावकाश चल रहा है, तो ग्रीष्मावकाश के बाद जैसे ही विद्यालय खुलेंगे, निरीक्षण अभियान, ये विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाने के बारे में महानिदेशक की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। इसमें अभी तक जो निरीक्षण किया गया था माह अप्रैल 2023 में जनपद विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, समस्त जिला समन्वयकों, ARP, SRG तथा डायट मेंटर्स द्वारा 1,65,065 तथा 19 मई 2023 जब तक विद्यालय हम लोगों के खुले थे तब तक 1,22,137 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था, जो कि संतोषजनक स्थिति प्रदर्शित करता है। इसका मतलब जितने विद्यालय होने थे लगभग उतने विद्यालय हो चुके हैं निरीक्षण में। इसी क्रम में ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालयों के पुनः खुलने पर पठन पाठन तथा मध्यान्ह भोजन वितरण के साथ साथ अवस्थापना, सपोर्टिंग सुपरविजन एवं अकादमिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक विधियों पर भी नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही की जाती है। अब माह जुलाई 2023 में जो विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है उसके बारे में निम्न बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इस पर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जो पहला पॉइंट है उसमें विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता होनी चाहिए, कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर संतृप्त हैं अथवा नहीं इसके बारे में हम लोगों को पहले से ही देख लेना होगा, तैयारी कर लेनी होगी उसके हिसाब से। मध्यान्ह भोजन उचित व्यवस्था के साथ बच्चों को वितरित किया जा रहा है, प्रत्येक सोमवार को जो फल और बुधवार को जो दूध दिया जाता है वो दिया जा रहा है या नहीं, MDM रजिस्टर में दर्ज कुल छात्र छात्रों की संख्या कितनी है, निरीक्षण के दिन मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले छात्र छात्रों की संख्या कितनी है, विगत 3 दिनों में मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, विद्यालय में तैनात शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों की संख्या कितनी है, अनुपस्थित शिक्षक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक का विवरण भी देना होगा, विद्यालय में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या, नामांकन के सापेक्ष उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या, सभी छात्र छात्राओं को समस्त विषयों की पाठ्य पुस्तकों का वितरण हो चुका है या नहीं ये आप श्योर कर लें, शिक्षकों द्वारा ARP SRG के गुणवत्ता युक्त फीडबैक एवं अकादमिक सपोर्ट के संबंध में संवाद किया जा रहा है अथवा नहीं इसके बारे में, निरीक्षण के फलस्वरूप निरीक्षण आख्या में निरीक्षणकर्ता द्वारा अपना आकलन उपलब्ध कराया जाए कि निरीक्षित विद्यालय कब तक निपुण विद्यालय की श्रेणी में आ सकता है। आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है इसमें। उसी क्रम में कहा गया है कि जो ये निरीक्षण होना है ये 5 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक होगा। निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में आगे दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। योजनाबद्ध तरीके से समस्त प्रसिद्धि विद्यालयों एवं समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों तथा मदरसों का 100% निरीक्षण करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य योजना 2 दिन के अंदर बना ली जाए, जिसमें अधिकारी वार विद्यालयों का आवंटन स्पष्ट रूप से कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त हैं, अतः जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस दिशा में नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया जाए। उन सभी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की गहनता से समीक्षा कराई जाए। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नेतृत्व प्रदान करते हुए मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की गहनता से समीक्षा कराई जाए। इसी के क्रम में लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है उल्लेखनीय है कि दिनांक 5 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 की अवधि में निर्धारित उपरोक्त विषय निरीक्षण अभियान को जनपदीय अधिकारियों द्वारा महत्व प्रदान करते हुए सुनियोजित एवं प्रभावी ढंग से आयोजित कराने की आवश्यकता है। उक्त अभियान की प्रगति की सूचना पाक्षिक रूप से दिनांक 15 जुलाई 2023 तथा 31 जुलाई 2023 को अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साथ मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए। इसमें जो सूचना जो देनी है BSA या विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक को वो पहले जो 10 दिन के बाद देनी है और अगली जो है वो 15 दिन के बाद देना होगा। भौदी विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो इस बारे में आप लोग अपनी तैयारी कर लें जिससे किसी भी विषम परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।